हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बताया था अपने समर वेकेशन में हम कहाँ कहाँ गए। तो पहले हम छुट्टियों में औरंगाबाद गए थे, उसके बाद जस्ट हम आ गए धनबाद। तो समर वेकेशन में इतनी जगह गए, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया इस वीडियो को। तो अब आ गए धनबाद, अपने मम्मी पापा या मायके में हम आ गए। यहाँ भाई भाभी सब हैं। तो चलिए अंदर दिखाते हैं घर हमारा, जो धनबाद का घर है। ये है, यहाँ हम बस 2 दिनों के लिए रुके हैं। तो ये मम्मी हमारी अभी लेटी हुई हैं। ये है हमारा धनबाद का घर। इधर एक रूम है साइड में, राइट साइड। अब आइए आगे चलते हैं। अभी सारी भाभियाँ किचन में लगी हुई हैं और मैं उनके रूम्स को दिखा रही हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। और हम औरंगाबाद भी गए थे, मेरे ससुराल में, वहाँ भी चल रहा था। यहाँ भी आई हूँ तो ऊपर के फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये रहा एक और रूम। ये छोटे भाई भाभी का रूम है और वो लोग किचन में लगे हुए हैं नाश्ता बनाने में। मैं आइए अब ऊपर के फ्लोर पे दिखाती हूँ, उधर भी बहुत काम चल रहा है। तो यहाँ एक किसी ना किसी को होना चाहिए, तो पापा यहाँ पे सभी वर्कर को, लेबर को देख रहे होते हैं। यहाँ पे लगभग काम पूरा हो गया है, ये पुट्टी का काम चल रहा है। तो दिन भर लेबर को देखना भी एक काम जैसा ही है। तो पापा यहाँ पे रहते हैं कभी कभी। तो हमारी छुट्टियों में हम सभी जगह थोड़ा थोड़ा, 2 दिन 1 दिन ऐसे ही हमने स्टे किया है। तो धनबाद में हमारा टोटल 2 दिन हमने यहाँ पे रहा रुके हैं। यहाँ पे मन तो नहीं करता इतना कम दिन रहने के अब, लेकिन हमारे पास छुट्टियाँ कम थी, 20 या 25 दिन। ये देखिए पुट्टी का काम चल रहा है यहाँ पे। तो सभी जगह हमें जाना भी ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे हमने 2 दिन बच्चों, और ये देखिए बच्चों को मम्मी एंटरटेन कर रही हैं, कहानियाँ सुना रही हैं, गेम्स खिला रही हैं। ठीक, हाँ उंगली ऐसे रखो, पहले के ज़माने का खेल बचपन वाला। चिड़िया उड़ गई, अपना बच्चा के पास खोता में चली गई। उसके बाद अपना बाल बच्चा के साथ छुट्टियों में इंगेज करके रखती हैं मम्मी इसी तरीके से। हाँ, और ये देखिए भाभी हमारी लेके आ गई हैं चाय और नाश्ता। तो हम सभी मिलकर यहाँ बैठे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। जो भी 2 दिन में हम एंजॉय कर सके हमने किया, एक साथ मिलके बैठ के। कहीं भी बाहर नहीं गए घूमने या मार्केट करने, बस हम लोग एक साथ रहे यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके मम्मी पापा के साथ। क्योंकि वो लोग भी दुखी हो जाते हैं कि सिर्फ 2 दिन के लिए आई है। और ये देखिए बच्चे या तो कहानियाँ सुनेंगे या फिर वीडियो गेम्स। ये देखिए इनके सबके गेम चल रहे हैं यहाँ पे, मारियो, लगता है मारियो का गेम चल रहा है। बच्चों को यही पसंद आती है ज़्यादा। तो ये लोग के साथ हमने बस 2 दिन रुके हैं। और लोकल ट्रेन फिर हमने पकड़ी है दूसरे दिन और पहुंच गए हम खड़गपुर, IIT खड़गपुर। यहाँ हमारा बड़ा वाला बेटा रहता है, पढ़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ नाइट में हम पहुँचे हैं, इसलिए सब कुछ रात का सीन दिख रहा है आपको। और मेरा लड़का, बड़ा वाला लड़का, अपने कुछ काम से लाइब्रेरी में है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। मैंने बोला अपना काम, पढ़ाई कर लो, उसके हम लोग अकेले ही घूम लेंगे। तो हमने नाइट में जितना भी आसपास के एरिया में थोड़ा सा घूम लिया।
फिर हम लोग रेस्ट करने गए। तो ये है जो मेन हॉल होती है आईआईटी की, वो है। इसके साइड में ही बड़ी सी लाइब्रेरी है, वहीं पे लड़का पढ़ रहा है, तो हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है। ये देखिए आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर है, दिन में और भी अच्छा लगता है, नाइट में आपको जैसा मैं दिखा पा रही हूँ, देखिए लाइटिंग है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, और रात भर यहाँ चहल पहल लगी ही रहती है। हमेशा किसी ना किसी बच्चों को कुछ ना कुछ काम रहता है या क्लासेस रहती हैं, तो रात तो भर ये लोगों का पढ़ाई चलता ही रहता है। तो अब हमारे लिए जो रूम बुक किया गया था, लड़के ने बुक किया था, वहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक गेस्ट रूम बुक किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ 2 दिन कुल मिलाकर रुके थे। तो यहाँ हमने नाइट में रेस्ट किया है गेस्ट रूम में। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे खड़गपुर आईआईटी। उसके बाद नाइट में रेस्ट करने के बाद हम लोग मॉर्निंग में आ गए हैं कैंटीन में, जो आईआईटी का पेरेंट्स के लिए कैंटीन अलग है गेस्ट के लिए, तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ भी सब कुछ अरेंज्ड है, वेल मैनर्ड है। और ये देखिए हमारा आ गया ब्रेकफास्ट, पूरी और छोले, साथ में फ्रूट्स है, जूस है, चाय, जिसको जो भी पसंद हो, ऑमलेट, ब्रेड जैम, कुछ भी जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो हमने सिंपल सी पूरी ली है, जो मेरा लड़का अंडा खा सकता है तो वो खा लेता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब कैंटीन का जो भी खाना पीना हमें लगा 2 दिन में, हमने जो भी देखा यहाँ पे, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये देखिए मैंने बाहर का सुबह सुबह जो सीन है, ये बाहर का है गेस्ट रूम का, अंदर से भी ये बहुत बड़ा है और बहुत ही ग्रीनरी है चारों तरफ, गार्डनिंग बहुत अच्छा किया हुआ है। पूरे आईआईटी में ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, पेड़ इतने बड़े बड़े रोड के साइड में, तो गर्मी तो है वैसे यहाँ पे, लेकिन हवा भी चलती रहती है इन पेड़ों की वजह से, बहुत ही अच्छा लगता है। ये वेटिंग रूम है, और ये देखिए लॉन है चारों तरफ, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, अच्छे अच्छे फूल पौधे से सजा हुआ है। और ये पार्किंग है, कार पार्किंग, काफ़ी बड़ी एरिया में है ये। ये सिर्फ गेस्ट रूम का मैं दिखा रही हूँ, वो बहुत ही बड़े एरिया में है। इसके चारों तरफ भी देखिए कितना अच्छा सीन लग रहा है। अगर आप शाम को बैठे तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर बैठ जाएं यहाँ पे, इतनी शांति, रिलैक्स, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने सोचा जितना ज़्यादा हम घूम पाए, कवर कर पाए एरिया, तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा एक जगह पे कहीं बैठते नहीं थे। ये पीछे का एरिया आ गया है, यहाँ पे सभी के पेरेंट्स आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं, लगातार ये सिलसिला चलता ही रहता है वहाँ पे, सभी के पेरेंट्स का आना जाना। और ये है पूर्व छात्र के लिए आवास, मतलब जो यहाँ से निकल चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले भी निकल चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके रह सकते हैं। और उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, एलुमनाई फेस्ट फंक्शन, बहुत तरह तरह के उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ पे, जो एजेड होने के बाद भी यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, काफ़ी टाइम रहते हैं, और कुछ डोनेट भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। और ये आ गए हम चलते चलते, छोटा सा टेक मार्केट है, ये आईआईटी के अंदर ही है, बच्चों के लिए उनको कुछ लेना हो, या फिर यहाँ के टीचर प्रोफेसर्स के लिए
एक छोटा सा मार्केट है, तो इसी को टेक मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ें, ज़रूरत के हर सामान मिल जाया करती है। फल, सब्जी, ग्रॉसरी कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। कपड़े, यहाँ तक कि हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कुछ दुकानें अभी बंद है, मॉर्निंग का टाइम है, कुछ दुकानें फल सब्जियों के खुले हैं। बच्चों को जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है। रेस्टोरेंट भी कई तरह के हैं, कई जगह पे हैं, ज़्यादा चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे यहाँ पे, कुछ को मैंने कवर किया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। यहाँ पे साइकिल से जितने भी चल रहे हैं तो समझ लो वो स्टूडेंट हैं, और बाइक और स्कूटी वगैरह से टीचर या प्रोफेसर या पेरेंट्स होते हैं, लोकल जो भी होते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्क है, बहुत ही शांति। अगर बच्चे अगर पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस आ गया हो उनको, तो यहाँ पे आके वो बैठ सकते हैं थोड़ी देर स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। बहुत ही शांत वातावरण है इधर का। और मैं तो कहूँगी ये आम बागान है, चारों तरफ आम के पेड़ हैं, ज़्यादातर आम इतने टपक रहे थे चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा आम गिर रहे थे उस वक्त। और बीच में, इस पार्क के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब है या लेक कह सकते हैं, उसके बीचों बीच में एक छोटी सी टापू जैसी बनाई हुई है गोल। ये देखिए एक छोटा सा तालाब है, बहुत राउंड सा तालाब है, और बीच में ये बड़ा सा टापू जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे भी बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर सा वातावरण है, बहुत ही रमणीय। बीच में ये देखिए दो सारस हैं, एक सारस उल्टा लटक गया बेचारा। तो ये बहुत बड़ा सा तालाब है, और बीच में ये देखिए जो दिख रहा है लैंड वाला पोर्शन, वो बीच में ऐसा टापू जैसा बनाया हुआ है, आइलैंड जैसी। और इसके चारों तरफ ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं, राउंड में बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है ये तालाब के चारों तरफ, और सभी के चारों तरफ बेंचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर शांति से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पार्क बहुत ही सुंदर लगा मुझे। हम यहाँ पे थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठ गए, इतने अच्छा लगा। चारों तरफ अगर गर्मी हो तो इस जगह पे आके थोड़ा सा आप बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए, हवा भी बहुत अच्छी चलती है। तो दो दिन में मैं जितना कवर कर पाई मैं वही दिखा रही हूँ आप सबको। ये देखिए हर जगह बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और काफ़ी पेरेंट्स को भी मैंने देखा है यहाँ पे आते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि उनके बच्चे क्लास कर रहे होते हैं या कुछ ज़रूरी काम होती है उनको, तो वो क्लासेस में रहते हैं, तो पेरेंट्स इधर आके रेस्ट करते हैं या थोड़ी देर बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और नज़ारा भी बहुत ही प्यारा है, सुंदर है, तो इसलिए बैठना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए थे। और ये आम का जो पेड़ है मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारे आम लदे हुए हैं यहाँ पे और गिरते रहते हैं हमेशा, बहुत सारे हैं। आपको मैं दिखा पा रही हूँ, अगर दिख रहा हो आपको, बहुत सारे आम लगे हैं। तो मैं तो इसको आम बागान ही बोलूँगी, क्योंकि इसमें आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं आम के पेड़। तो चलिए अब वापस चल रहे हैं, कुछ और जगह अगर मैं कवर कर पाई, क्योंकि धूप तो है, गर्मी भी है, और हमें सब पैदल ही चलना है। वहाँ पे एक बैटरी वाली रिक्शा है, पर वो भी अगर मिल जाए तो हम ले लेंगे, अगर मिली तो, उसका भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो अब ये देखिए मैं नाइट में निकली हूँ,
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नाइट में दूसरी साइड हम गए घूमने के लिए। वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं बच्चों के लिए, और ये देखिए साइकिल से जितने भी लोग दिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए कई तरह के, पानीपुरी के अलग हैं, खाने पीने का अलग है, जूस एंड बेवरेज के भी अलग हैं। तो ये बहुत सारे रेस्टोरेंट उन लोगों के लिए बने हैं बच्चों के लिए, मेस में अगर खाते खाते मन ऊब जाता है उन लोगों के तो यहाँ पे आके वो लोग खाते हैं। ये है वाटर बॉल्स पानीपुरी के स्टॉल्स। यहाँ पे वैरायटी पानीपुरी की मैंने देखी, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊं, इतनी तरह तरह की पानीपुरी यहाँ पे सर्व की जाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट हमने नॉर्मल पानीपुरी जो हम खाते हैं हमने वही ऑर्डर किया था। ये देखिए ये एक लिस्ट है लंबी सी पानी पूरी की, आपने इतना सारा कभी शायद ना सुना हो, चॉकलेट पंच। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने खाई बस नॉर्मल वाली पानी पूरी जो हम रेगुलर खाते हैं, बहुत ही टेस्टी थी, और शायद आप सबको देख के कहीं मुंह में पानी ना आ रहा हो। हमें यही नॉर्मल वाली जो रेगुलर होती है वही हमने ट्राई किया, और एक रेस्टोरेंट में हमने भी खाना यहाँ का टेस्ट किया है, क्योंकि हमें हर जगह का खाना टेस्ट करना था कि हमारा जो बच्चे या हमारा बेटा जो खाता है वो कैसा खाना खाता है, किस तरीके का यहाँ पे मिलता है उनके लिए, वो हमें देखना था। तो यहाँ पे भी हमने एक बार जाते जाते यहाँ पे डिनर किया। इसके बाद हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो हम वापस अपने हैदराबाद के लिए फ़ाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।